हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्जपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः शक्वेञ्जराय धीमते पथेनां पतये नमो नमो हरिकेशाय पुष्टानां पतये नमो नमो बलुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो भवसहित्ये जगदां पतये नमो नमो रुद्राय ततायने क्षेत्राणां पतये नमो नमो सूताय हन्तेवनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वताय कदेनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो चैर्घोघाय ग्रन्थयते नमो नमः कृत्स्नाय तया धावते सत्वनां नमो नमः सहमानाय निव्याधि मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्यः तन्नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदरणीय विद्वजन
यहाँ पर उपस्थित अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी, हमारे अन्य गुरु प्रातागण, काशी विद्वत परिषद के सदस्यगण, भारत धर्म महामंडल से जुड़े हुए लोग, अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल के लोग, ज्योतिषपीठ बदरी काश्रम हिमालय, श्री शारदा पीठ द्वारका से संबद्ध जन, और इस तरह से वे सभी जो केंद्रीय विभूति परम पूज्य महाराज श्री से जुड़े हुए थे, आप सभी का आज की इस श्रद्धांजलि सभा में स्वागत तो क्या करें, लेकिन आपको श्रद्धांजलि सभा में सवेरे से निरंतर बैठा हुआ देख करके आपके मन में महाराज श्री के प्रति जो भावना है उसका प्रकटन हो रहा है, और उस प्रकटन को देख करके हम सब भी कहीं ना कहीं से बल प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, बात छोटे में भी कही जा सकती है और बड़े में भी कही जा सकती है। भगवान शंकराचार्य को तो भाष्यकार के रूप में ही पहचाना जाता है, सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतौ। बादरायण व्यास विस्तारक होने के नाते भी सूत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और भगवान शंकराचार्य सूत्र के रूप में कहने के बाद भी भाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य देने के लिए इतने उत्सुक हैं। यह पूज्य महाराज श्री के लोक कल्याणकारी 70 वर्षों का प्रभाव है कि सभी लोग पूज्य महाराज श्री के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति और वाक्य में पुष्पांजलि समर्पित करना चाह रहे हैं, और जो हमारे गुरु भाई बहन हैं वो उनको सुनना भी चाह रहे हैं। बड़ी अनुशासन से आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं। अब राजा भैया जो कुंडा के रहने वाले हैं और वहाँ के राजा हैं और बहुत बड़ा नाम है उनको उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी यहाँ अपनी पत्र पुष्पांजलि अर्पित की है। उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बबलू सिंह जी संक्षेप में अपनी बात हम सभी के बीच में रख रहे हैं, और इसके बाद महंत आशुतोष पुरी जी आमंत्रित। जानते हैं भैया है? जानते हैं ना या नहीं जानते, पहले बता दीजिए। पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के पूज्य चरणों में सादर प्रणाम। योम द्वय शंकराचार्य पूज्य श्री अभिक्तेश्वरा मुक्तनंद जी और श्री सदानंद जी के चरणों में सादर प्रणाम, और उपस्थित सभी संतजन बुजुर्ग और अपने पूज्य सभी के चरणों में अपने माननीय राजा भैया की तरफ से, अपने तरफ से, राजा भैया परिवार की तरफ से शीश झुकाकर आपका आशीर्वाद लेने आ गया। कामना करते हैं डबल आशीर्वाद चाहिए। एक बार पुनः महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब उत्तराखंड में श्रीनगर में प्रतिष्ठित कमलेश्वर मंदिर के महंत पूज्य महाराज श्री के कृपापात्र महंत आशुतोष पुरी जी यहाँ दो शब्द हम सभी के बीच में प्रस्तुत करें। आ गया फोटो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Thank you.
साथ में रहते हैं। ये गुरु जी का था। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं अरे यार ले लिया, बहुत अच्छी से अधिकार उन्हें प्राप्त होंगे जो स्पीड से जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में प्राप्त है। चाहे कि हमारे प्रेमी होने के पश्चात हमारे दुखी संजीव सन्यासी से स्वामी अद्वितीय सरस्वती ज्योतिष पीठ के आचार सत्य अधिकारी होंगे और अवशिष्ट होकर ज्योतिष की शादी कर जगत गुरु शंकराचार्य होंगे। इन्हें के सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो ज्योतिष पीठ के पीछाधी पर जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में प्राप्त है। चाहे कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी दंडी सन्यासी थे, मैं भी ब्रह्मचार्यश्रम में दंडी सन्यासी हूँ। मेरे दोनों दंडी सन्यासी सिर्फ स्वामी सदानंद सरस्वती और स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती ब्रह्मचार्यश्रम से दंडी सन्यासी हूँ। अतः अब तो दोनों पीढ़ियों की दीर्घकालिक आचार परम्परा के अनुसार स्वामी सदानंद सरस्वती
महास्वामी अभिमुक्त सरस्वती ग्रंथा शारदा मठ द्वारा ज्योतिर्मय प्रजिताश्रम के शंकराचार्य पर अभियुक्त होने की शरण था योग्य यह भी हम चाहेंगे कि हमारे चारों शंकर मठों में विशेषकर प्रस्तुत दोनों मठों से विशुद्ध सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और जो भी व्यवस्था दी जाए वह वेद शास्त्रानुमोदित हो। हम यह भी चाहेंगे कि भविष्य में हमारे उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकारियों को योग्यता अर्हता और निष्ठा के आचार पर आधार पर नियुक्त करेंगे। आपकी छत्र छाया में हम ऐसे स्वच्छंद रहे हैं जैसे मानव मदमस्त हाथी, परंतु आज हमारा हृदय विलीन हो गया, आत्मा हाहाकार कर दी। फिर भी हमें इस बात का एहसास है आज ऐसे परम की आदित्य के लिए हम आखिर ब्रह्मांड में सब देवता ऋषिगण सब ऐसे परम के आदित्य के लिए विशेष है। उन्हें हमारे कारण को निश्चय हो रही कि ये धरोहर हमारे पास कैसी है, उन्हें क्यों नहीं मिली। हमें इस ईश्चर के खूब भारत से बचाने के लिए भगवान ने अपने आप को भी उपलब्ध कर दिया। आदिति कपूर जी और मोहन जी का भी माल्य अर्पण करेंगे और राजस्थान के लगती पॉइंट में हमारे आदरणीय प्रहलाद राय जी जो राष्ट्रपति अवार्ड पाए हैं, पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं, आज हमारे बीच उपस्थित रहा हमारे राज्य में। फिर प्रहलाद राय जी से अनुरोध करेंगे।